महल बहुत सुंदर हो उसमें प्रकाश न हो तो भले ही झोपड़ी हो, प्रकाश हो तो झोपड़ी भी अच्छी लगेगी, बिना प्रकाश के तो स्वर्ण महल भी फीका लगेगा। वस्तुतः नगर की शोभा, घर की शोभा भगवान के विराजमान होने से है। आप चाहे जितनी महंगी कोठी बनाओ, अपने लिए कमरा बनाओ, अपने पुत्र पौत्रों के लिए बना लो, सबके लिए बना लो, पर भगवान के लिए आपने आले में जगह रखी, अपने लिए पीछे सबसे पहले घर का मालिक श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के लिए अपने घर में दिव्य मंदिर बनाओ, और हम भगवान के मंदिर में रहते हैं, भगवान के झाड़ूदार हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, इस भाव से भगवान के सेवक बनकर के निर्वाह करो, तो वह आपका गृहस्थाश्रम आपको बांधने वाला नहीं।